हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिश लवर। क्या आपकी भी फिशेस मर जाती हैं ओवर फीडिंग से? तो आज मैं एक तरीका बताऊंगा आपको जो बहुत ही आसान है, जिससे आपकी फिशेस कभी भी ओवर फीडिंग से नहीं मरेंगी। और आप लोग देख सकते हैं मेरी फिशेस कितनी ज़्यादा भूखी हैं, अभी खाने के लिए कर रही हैं। तो जल्दी से मैं भी खाना डालता हूँ, आपको भी तरीका दिखाता हूँ मैं कैसे खाना डालता हूँ अपने फिशेस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले लेंगे हम एक गिलास में पानी। तो ये है एक गिलास और इसमें मैंने लिया है पानी। और ये है एक्टोम का फूड, जो सबसे बेस्ट फूड है। मैं तो यही डालता हूँ अपनी मौली फिशेस को। तो इसमें से थोड़ा सा हम निकालेंगे हाथ में और अपनी फिशेस के हिसाब से हम अपने जो गिलास में पानी में भिगोएंगे। तो मेरे पास 11 से 12 फिशेस हैं मौली फिश, तो इनके लिए मैंने इतना ही इनफ है बस। और जो बचा हुआ है वो वापस डाल दूंगा मैं। तो ये मैंने डाल दिया और इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ऐसे ही भीगने के लिए। और 5 मिनट बाद मिलते हैं दोस्तों इसे भीग। इसे दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं भीग कर, और इसे मैं डाल देता हूँ अपने फिशेस को सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी हैं। और मैं बताता हूँ भिगोने का फ़ायदा। तो अगर आप लोग 5 मिनट 2 मिनट खाना भीगने देंगे तो खाने के अंदर पानी भर जाता है, जिससे खाना मुलायम हो जाता है। अगर फिशेस थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेगी तो उनके पेट में जाकर खाना नहीं फूलेगा, क्योंकि जो फिश फूड होता है वो पानी में जाने के बाद फिर फूलता है। पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, तो इसी कारण मछलियाँ मर जाती हैं। अगर 2 से 3 फिशेस, एक फिश अगर एक दाना खाती है और अगर उसने 4 से 5 दाने खा लिए छोटे समझ के, तो उसके पेट में जाके ये फूल जाते हैं और इसी कारण मौली फिश या कोई फिश मर जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको नॉलेजल वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। बाय।